नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कल से 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। बैंक बंद होने से सबसे अधिक परेशानी कारोबारियों व छात्रों को उठानी पड़ सकती है। दुर्गा पूजा के दौरान रविवार से लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक बैंकों में छुट्टी घोषित की गई है। बैंक बंद होने से सबसे अधिक परेशानी कारोबारियों और छात्रों को उठानी पड़ सकती है। RBI की ओर से अक्टूबर 2022 में पड़ने वाली बैंक छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक बंद होने से ATM में नकदी की किल्लत हो सकती है। हालांकि विभिन्न बैंकों का कहना है कि ATM रिफिलिंग के लिए एजेंसियों को पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही स्कूल कॉलेज समेत तमाम शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन का कार्य चल रहा है। इस दौरान चालान भरने और कैश से जुड़े कार्य बैंक में प्रभावित होंगे। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, आज से विदेशी शराब 10 से 40 रुपए तक महंगी, विक्रेता संघ का विरोध। नए MRP की सूची जारी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा राज्य में बेची जाने वाली विदेशी शराब के दाम में 10 रुपए से 40 रुपए तक की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि शनिवार से ही लागू हो गई है। लोकप्रिय ब्रांड की शराब को छोड़कर प्रायः हर ब्रांड के दाम में वृद्धि की गई है। साथ ही विभाग ने नए MRP की सूची भी जारी कर दी है। इसमें यह निर्देश दिया गया है कि जिन ब्रांडों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उनका मूल्य पहले के ही बराबर रहेगा। इधर झारखंड शराब विक्रेता संघ ने इसका विरोध किया है। कहा है कि 300 करोड़ के घाटे को पाटने के लिए इस तरह से शराब के मूल्य में वृद्धि की गई है। राज्य के 11 जिलों रांची, सिमडेगा, गुमला, गढ़वा, लातेहार, पलामू, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और कोडरमा में शराब की खुदरा बिक्री लक्ष्य के अनुसार नहीं हो पा रही है। इसे लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संयुक्त आयुक्त ने खुदरा शराब की दुकानों का संचालन करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों को चेतावनी भरा पत्र भेजा। उत्पाद आयुक्त कामेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा है कि हर जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित है। यह लक्ष्य पूरा नहीं करने वालों को सकोच किया गया है। रांची में पंडाल का निर्माण 26 लाख रुपए से बनाया गया है। 40 फीट ऊंचा पंडाल मोबाइल नहीं, बैट बॉल, लूडो, पतंगबाजी व बैडमिंटन में शहद, पंचमंदिर दुर्गा पूजा समेत हरमू की ओर से इस वर्ष विभिन्न खेलों की आकृति और मूर्तियों का इस्तेमाल कर पंडाल का निर्माण कराया गया है। संदेश है कि कोरोना काल में बच्चों की जिंदगी एक कमरे में बंद गई थी, खुद को मोबाइल में समेट लिया था, लेकिन अब कोरोना दूर हो चुका है। उनकी जिंदगी से विलुप्त हुए खेल बैट बॉल, लूडो, पतंगबाजी और बैडमिंटन को करने की जरूरत है। समिति के सचिव राजीव कुमार उर्फ पप्पू ने बताया है कि कलाकृतियों के माध्यम से बच्चों को खेलकूद के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। 26 लाख की कीमत से पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति हरमू का 40 फीट ऊंचा पंडाल बनाया गया है। पंडाल में 12.5 फीट का मूर्ति स्थापित किया गया है। बंगाल के मेदिनीपुर से आए 25 कारीगरों ने 45 दिनों में पंडाल बनाया है। 31 अक्टूबर तक सिविल कोर्ट में रहेगा अवकाश। 1 से 31 अक्टूबर तक सिविल कोर्ट बंद रहेगा। पूजा अवकाश के बाद 1 नवंबर को कोर्ट खुलेगा। इस संबंध में प्रधान न्यायुक्त की ओर से सभी कोर्ट को आदेश की प्रति भेज दी गई है। साथ ही रांची जिला बार एसोसिएशन को भी आदेश के प्रति भेज दी गई है। अवकाश के दौरान वेकेशन कोर्ट चलेगा, इसमें महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैट्रिक इंटर परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया शुरू। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार से आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके आवेदन 14 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 9वीं और 11वीं की आवेदन 1 अक्टूबर से भरे जाएंगे। विलम्ब शुल्क के बगैर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 14 अक्टूबर तय है, जबकि चालान से शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। वह विलम्ब शुल्क के साथ 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते हैं, जबकि 21 अक्टूबर तक चालान जमा होंगे। तैयारी, शहर से जुड़ेंगे गांव, 600 रूटों पर चलेंगी बसें। झारखंड के गांव को प्रखंड व शहरों से जोड़ने के लिए 600 नए रूटों पर बसों व अन्य वाहन चलाए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने रूट चयन और बस ऑपरेटरों को छूट का प्रावधान तय कर लिया है। शर्तों के साथ रूटों की न्यूनतम लंबाई 70 किलोमीटर रखी गई है। इसे मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री गाँव गाड़ी योजना जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी। रूटों की संख्या और लंबाई आगे बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि
ताकि पहले कम से कम 600 जो है रूटों पर वाहन दौड़ाकर गांव की शहर से कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में पहल होगी। झारखंड गठन के 22 वर्षों बाद भी राज्य का अपना परिवहन निगम नहीं है, इसके गठन की प्रक्रिया चल रही है। इस देरी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। योजना के अनुसार गाँव को प्रखंड और शहर से जोड़ने के लिए न्यूनतम 70 किलोमीटर के रूट तय किए जाएंगे। वही तय रूटों पर बस चलाने की जिम्मेदारी प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय को दी जाएगी। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। वह मुख्यमंत्री रोजगार योजना से बस या अन्य वाहन खरीदकर तय रूटों पर चला सकेंगे। लोहरदगा में अनियंत्रित ऑटो पलटा, चालक की मौत, गांव में परशुराम मातम। लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरांबी बोंगाबार जामुन पेड़ के समीप अनियंत्रित ऑटो पलट गई, जिससे ऑटो चालक प्रेमचंद्र नायक 20 वर्षीय की मौत हो गई। बताया जाता है कि कुरांबी गांव निवासी भोला नायक का पुत्र और ऑटो चालक प्रेमचंद्र नायक हर एक दिन की तरह शुक्रवार को कंडरा से यात्रियों को लेकर गुमला जिले के पूसो गया हुआ था, जहां से लौटते समय तेज वर्षा के कारण चालक प्रेमचंद्र नायक को सड़क पर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बावजूद स्वजनों ने प्रेमचंद्र नायक को लेकर आनन फानन में अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने जाँच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। धनबाद में ट्रक की चपेट में आकर भगदड़ी में बाइक सवार पिता पुत्र और पुत्री जख्मी, दोनों बच्चों की हालत गंभीर। झरिया धनबाद मुख्य सड़क पर भगदड़ी के पास शनिवार की सुबह लगभग 7:45 बजे सीमेंट लदे ट्रक की चपेट में आने से झरिया के बनियाहिर कोलबोट कॉलोनी निवासी बाइक सवार भाजपा नेता राकेश पासवान और उनके बच्चे जख्मी हो गए। हादसे में घायल 15 वर्षीय पुत्री अश्विनी कुमारी और 10 वर्षीय पुत्र अंगद पासवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने घायल को धनबाद जोड़ा फाटक के एक नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ दोनों बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें दुर्गापुर अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार राकेश पासवान अपनी बाइक से अपनी पुत्री और पुत्र को बैंक मोड़ के पास कोचिंग सेंटर ले जा रहे थे, तभी भगदड़ी के पास भागा से सीमेंट लेकर जोड़ा फाटक गोदाम जा रहे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक ट्रक के चक्के में फंस कर काफी दूर तक घिसटता चला गया। हादसे में अश्वनी और अंगद गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मौका देखकर चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। रांची के बुंडू NH-33 में चल रहा था दूध में मिलावट का खेल। पुलिस ने रंगे हाथ दो लोगों को किया गिरफ्तार। त्यौहार के मौके पर दूध में मिलावट करने और फर्जीवाड़े का काम धड़ल्ले से चल रहा है, इस पर पुलिस शिकंजा भी कस रही है। इसी कड़ी में आज रांची पुलिस की टीम ने दूध में मिलावट करने वाले दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं गिरफ्तार लोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अन्य जगहों पर छापेमारी की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार रांची SSP किशोर कौशल को जानकारी मिली थी कि बुंडू में बड़े पैमाने पर दूध में मिलावट का कार्य हो रहा है, जिसके बाद SSP ने स्पेशल टीम गठित की। इस टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद स्पेशल टीम ने बुंडू में NH-33 के बगल स्थित जयसिंह पंजाबी ढाबा के पास दूध में मिलावट करने वाले दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने मिलावटखोरी एवं फर्जीवाड़े के गोरखधंधे का खुलासा किया है। रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए दूध से भरे टैंकर से दूध निकालते हुए होटल के संचालक एवं सहयोगी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जो है ट्रक से दूध निकालने में प्रयुक्त उपकरण, पानी मशीन की पाइप लगी हुई, दूध से भरा सिंटैक्स बरामद किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिर से फोटो अपलोड करने का निर्देश। डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के सभी वैध अभ्यर्थियों को फिर से फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए वैसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिन्हें 3 जुलाई 2022 को संपन्न परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था। इसके तहत विभिन्न विभागों में 1289 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति होगी। RBI ने रेपो रेट एक बार फिर बढ़ाया। महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 0.5% बढ़ाकर 5.9% कर दिया है। इससे घर वाहन से लेकर पर्सनल लोन तक सब महंगा हो सकता है और ज़्यादा किस्त चुकानी होगी। 3 साल में रेपो रेट की यह सबसे ऊंची दर है। देर रात भारतीय स्टेट बैंक बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दर बढ़ा दी। मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो दर बढ़ाने की घोषणा की। यह कदम बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए उठा गया है।
बोकारो में मर्डर, खिड़की से लगाया निशाना, पटाखे जैसी आवाजाही, फिर खून से लथपथ मिली महिला। झारखंड के बोकारो में 15 साल पुराने रास्ते के विवाद में देवर पर भाभी को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। बिरमो थाना क्षेत्र के पटेल नगर में 43 वर्षीय महिला रेणु देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बारे में पति सुरेंद्र साव ने बताया है कि शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे पत्नी घर में बच्चों के साथ बैठी हुई थी। इसी दौरान अपराधी खिड़की से गोली मारकर फरार हो गया। उन्होंने अपने छोटे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार घटना के वक्त पटाखे जैसी आवाज सुनाई थी, जिस पर घर वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया कि माँ गिर रही है और उसके सिर से खून निकल रही है। घर वालों ने जाकर देखा तो वह बुरी तरह से लहूलुहान अवस्था में गिरी हुई थी। तुरंत उसे इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल ढोरी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही जो है बेरमो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक के पति ने अपने भाई पर ही हत्या करने की बात कही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।